मुझे उमेर का सुन के काफी अफसोस हुआ। ऑनेस्टली काफी शॉकिंग था। अब काफी बेहतर है, डॉक्टर्स बहुत जल्द डिस्चार्ज कर देंगे। अम्मी की बात हुई थी नसीन आंटी से। वो कह रही थी कि एक आध हफ्ते में डिस्चार्ज कर देंगे। जायरा, तुम्हें किसी के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा प्रेशर? मैं समझी नहीं। नहीं, वो असल में अम्मी मुझे बता रही थी कि नसीन आंटी का रवैया कुछ बदल सा गया उमेर के लिए। तो नहीं, आई मीन ऑब्वियसली वो उनका बेटा है, तो आई वुडन्ट बी सरप्राइज अगर उनकी आपस में सुलह भी हो जाए। देखो जरा, आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो अगर नसीन आंटी वापस आती हैं या अपने बेटे के पास वापस जाती हैं। कोई हो या ना हो तुम्हारे साथ, तुम्हें पर मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ। यू नो व्हाट आई मीन। इंसान और जानवर में सिर्फ एहसास का फर्क होता है। अगर वो एहसास ना हो तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। आई ज़ायरा, मेरा वो मतलब नहीं था। एम ग्लैड कि तुम्हारा वो मतलब नहीं था, वरना मुझे लग रहा था कि मेरे बचपन का दोस्त बदल गया है। थैंक यू फॉर कमिंग।